नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल माही द टैकी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट स्मार्ट वॉचेस अंडर ₹15,000। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है और वीडियो सारे वॉचेस का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहीं से ही परचेस करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहली कैटेगरी है दोस्तों स्मार्ट वॉचेस बिटवीन 5,000 to 8,000। तो इसमें पहली वॉच है मेसफिट GTS 2 Mini, 1.5 inches की बड़ी स्क्रीन है, एमोलेड डिस्प्ले है। साथ में मैं खास खास बातें बताता हूँ आपको इसमें। एक तो वॉइस असिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा अभी एलेक्सा का, बिल्ट इन GPS है, साथ में कस्टमाइज एंड एडिटेबल वॉच फेसेस हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है ऑटो ब्राइटनेस के साथ में, 70 स्पोर्ट्स मोड है, 5 ATM है, SPO2 भी इसमें लगा हुआ आपको मिल रहा है। कंपनी ने यहाँ पे स्क्रीन प्रोटेक्शन स्पेसिफाई नहीं किया है वॉच में, कई वेबसाइट में लिखा है कि गोरिल्ला ग्लास है। साथ ही इसमें एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग भी नहीं और कोई ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले भी देखने को नहीं मिलता है, जो Amazfit की वॉचेस में जनरली मिल जाता है। फिर बात करते हैं GTS की, तो यहाँ पे आपको 1.65 इंचेस की बड़ी स्क्रीन मिल रही होगी, एमोलेड रेटिना, साथ में म्यूजिक कंट्रोल है, ट्रांसफ्लेक्टिव डिस्प्ले है, ब्लूटूथ 5.0, 5 ATM, मतलब ये लगभग साल पुराना मॉडल है। इसमें तब भी सारी अच्छी चीज़ें इसमें देखने को मिल रही है, 7 से 10 दिन का बैटरी बैकअप है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ऑटो ब्राइटनेस, बिल्ट इन GPS है और एक्यूरेसी के सेंसर्स काफ़ी अच्छे हैं, 6 एक्सिस एक्सेलरेशन एंड 3 एक्सिस जियोमैग्नेटिक। दिक्कत इसमें यह है कि कैमरा कंट्रोल नहीं है, SPO2 नहीं है और वॉइस असिस्टेंस भी नहीं है, जो हमें इसे कम रेंज की वॉच GTS 2 मिनी में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं अगली वॉच है Amazfit Verge, जो कि 11,999 में लॉन्च हुई थी लेकिन अब 7,999 की हो गई है। इसकी स्क्रीन भी 1.30 इंचेस की एमोलेड स्क्रीन है। इसकी खास बातें बताता हूँ दोस्तों, वॉइस असिस्टेंस है, 390 mAh की बड़ी बैटरी है, 4 GB की बिल्ट इन स्टोरेज है, जो कि इस रेंज की वॉच में कहीं नहीं मिलती, जिसे आप स्टोर्स जो सॉन्ग्स को है स्टोर कर सकते हैं। साथ ही आप वॉच के हेल्प से ही डायरेक्ट सॉन्ग को सुन सकते हैं, आपको फ़ोन ले जाने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट इसमें देखने को मिलता है और साथ में जो इसका ग्लास है गोरिल्ला ग्लास है एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ, तो यहाँ पे वॉच ने काफ़ी अच्छा काम किया। लेकिन ये क्या है, पुराने 4.2 ब्लूटूथ पर चल रही है, उस समय SPO2 नहीं था, पुराना मॉडल है तो इन्होंने नहीं लगा के दिया हुआ है। 3 ATM 5 ATM रेटिंग कुछ नहीं है, तो मतलब स्विमिंग के लिए आइडल नहीं है और एवरेज रेटिंग है इसकी यूजर्स के साथ में। फिर आती है Amazfit GTR, इसमें 2 वेरिएंट अवेलेबल हैं, 42 mm एंड 47 mm, प्राइस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें और GTS में जो पहला मॉडल था GTS 2 से पहले का, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक स्क्रीन साइज का फर्क है क्योंकि एक की राउंड है और एक की जो है रेक्टेंगुलर। बाकी लुक्स में जो है GTR में काफ़ी अच्छे वेरियंट है जो कि देखने को मिलते हैं। इसमें भी वही कमी है, कैमरा कंट्रोलर SPO2 नहीं है और वॉइस असिस्टेंट नहीं है। अगली कैटेगरी है दोस्तों स्मार्ट वॉचेस फ्रॉम 8,000 to 10,000। इसके अंदर जो है सबसे पहली वॉच आ रही है Amazfit GTS 2, ये भी हाल ही में लॉन्च हुई है, प्राइस इसका रिड्यूस नहीं होगा इसलिए। 1.65 इंचेस की एमोलेड रेटिना स्क्रीन है, एक यूनिक फीचर है इसमें टेम्परेचर मॉनिटर, जो Amazfit की किसी वॉच में पहली बार देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जो कॉमन है म्यूजिक कैमरा कंट्रोल इसके अंदर भी है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है, बैटरी इसकी ज़्यादा हो गई है, GTS में बैटरी कम है, GTS 2 में इसकी 2E में बैटरी ज़्यादा है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है, कस्टमाइज एंड एडिटेबल वॉच फेसेस है, बिल्ट इन GPS, ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट और लेटेस्ट सेंसर एक्यूरेसी के साथ। दिक्कत मुझे इसमें है कि ₹10,000 लेके भी ना बिल्ट इन स्टोरेज दी, ना ब्लूटूथ कॉलिंग सपोर्ट दिया और वाईफाई नहीं दिया। GTR 2E की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है सेम सब कुछ फीचर है, बस स्क्रीन साइज फर्क है, इसकी 1.39 इंच की स्क्रीन है और इसकी बैटरी थोड़ी सी ज़्यादा है, 471 mAh की, जो 15 से 20 दिन चलती है। उसके अलावा दोनों ही वॉचेस के फीचर सेम है, GTS 2E के एंड GTR 2E के, इसलिए कमियां भी इन दोनों के अंदर सेम ही है। फिर बात करते हैं Realme S Pro की, इसमें आपको बताता हूँ खास चीज़ क्या है। इसमें जो खास चीज़ आई है वही है, ड्यूअल प्रोसेसर है वॉच के अंदर, ऑटो वर्कआउट डिटेक्शन है, साथ में आप अपने स्मार्ट अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट इसमें देखने को मिलने वाला है, जिससे इसमें सुना है कि इसमें हिंदी लैंग्वेज भी आ जाएगी। अब इसमें क्या है, कंपनी ने वॉइस असिस्टेंस लगा के नहीं दिया है और बैटरी बैकअप भी इसका ठीक ठाक है, 420 mAh का 14 दिन का बैटरी बैकअप है, तो सारे फीचर इसमें जो है GTR 2E से मैच हो रहे हैं। तो मैं जैसा अपने हर वीडियो में कहता रहा हूँ कि GTS 2E एंड GTR 2E को सिर्फ Realme S Pro को टक्कर देने के लिए निकाला गया, वरना खास इनमें कुछ भी नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं अगले सेक्शन की, तो उसके अंदर हमको Honor Magic Watch 2 देखने को मिलती है, जिसका प्राइस भी कम होके सेल में 9,999 हो जाता है सिलिकॉन वेरिएंट का। इसकी खास बात बता दूं तो आपको, 9,999 में ये ऐसी वॉच है, आपको 4 GB की इंटरनल स्टोरेज दे रही है, आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हैं, म्यूज़िक को डायरेक्टली वॉच से प्ले कर सकते हैं, आपको फ़ोन कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, वॉइस गाइडेड स्पोर्ट्स मोड है, 455 mAh की बड़ी बैटरी है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, ऑटो ब्राइटनेस है, साथ में ब्लूटूथ कॉलिंग का भी सपोर्ट है। तो ये घड़ी अपने आप में एक अजूबा है, लेकिन दिक्कत यही है छोटी सी इसमें कि वाईफाई नहीं है और वॉइस असिस्टेंट नहीं है। आई थिंक वॉइस असिस्टेंट तो इसमें देना चाहिए था।
फिर एमआई रिवॉल्व की बात करते हैं, 10999 की थी प्राइस, अभी सेल में रिड्यूस होकर 8999 हो गया है। 1.39 स्क्रीन है एमोलेड की, स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस बॉडी है, ये भी मुझे बहुत सीरियसली बताऊं दोस्तों अच्छी नहीं लगती है, GTR 2E, GTS 2E, रियलमी एस प्रो, एमआई रिवॉल्व में एक ही कैटेगरी में रखता हूं। तो इसके अंदर जो सबसे अच्छी बात यह है कि फर्स्ट बीट का एल्गोरिथम लगा हुआ है जिससे आपकी एक्यूरेसी अच्छे से मेजर होती है। VO2 मैक्स है, साथ में इसमें नॉर्मल से फीचर है, कोई ज़्यादा तड़कता भड़कता कुछ नहीं है। इन्होंने भी ना बिल्ट इन स्टोरेज दिया, ना कॉलिंग सपोर्ट दिया, ना वाईफाई दिया इसमें। अब बात करते हैं Amazfit T-Rex की, तो ये उन लोगों के लिए है कि जो बिल्कुल ही रफ एंड टफ यूज़ करना चाहते हैं वॉच को, काफ़ी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि इसकी जो बॉडी है मिलिट्री ग्रेड रग्ड बॉडी है, गोरिल्ला ग्लास लगा है, म्यूजिक कंट्रोल है, साथ में 390 mAh की बैटरी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। तो आजकल के हिसाब से जैसे SPO2 होना चाहिए था, बिल्ट इन स्टोरेज होना चाहिए था, वो चीज़ें इसमें नहीं है, ना कॉलिंग है, वाईफाई भी नहीं है, वॉइस असिस्टेंस नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जिनको इन बाकी सारे फीचर्स का शौक नहीं है, अपना रफ एंड टफ यूज़ के लिए वॉच को यूज़ करना चाहते हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों 10 से 15 हज़ार की वॉचेस की, यहाँ पे आपको देखने को मिलती है GTS 2 एंड GTR 2 फ्रॉम Amazfit। तो GTS 2 और GTR 2 के फीचर्स जो हैं सारे के सारे सेम ही है, बस इनकी भी स्क्रीन साइज़ का फ़र्क है, प्लस GTR 2 में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे एक क्लासिक मॉडल और स्पोर्ट्स मॉडल। तो क्लासिक मॉडल में आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास स्टेनलेस स्टील बॉडी आ जाती है और लेदर का स्ट्रैप आ जाता है, वहीं स्पोर्ट्स मॉडल में एलुमिनियम बॉडी होती है और आपके पास जो स्ट्रैप होता है वो आता है सिलिकॉन का। इसके अलावा इन सब में फीचर सेम है, और इनमें अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपको लेटेस्ट सेंसर एक्यूरेसी के लिए मिल रहे हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग का सपोर्ट है, लेकिन वो सिर्फ आप इनकमिंग कॉल के लिए यूज़ कर सकते हैं, आउटगोइंग नहीं कर सकते। 4 GB की बिल्ट इन स्टोरेज दे रखा है, वाईफाई दे रखा है, वॉइस असिस्टेंस है, 5.0 ब्लूटूथ है, 90 स्पोर्ट्स मोड है, कैमरा कंट्रोल भी दे रखा है, 5 ATM है, तो ये स्विमिंग के लिए भी यूज़फुल है। तो इसमें जो बस मुझे एक ही शिकायत ये लगी कि जब आपने इनकमिंग कॉल का ऑप्शन दिया आंसर कॉल कर सकते हैं तो आप डायल कॉल क्यों नहीं कर सकते, प्लस इसमें ऐप्स भी आप इंस्टॉल नहीं कर सकते, जो कि आजकल डिमांडिंग फीचर बनता जा रहा है। फिर बारी आती है ओप्पो वॉच 41mm की, 14990 से इसका प्राइस गिर के 12990 हो गया है। यह ज़बरदस्त वॉच है दोस्तों, सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत है कि इसकी बैटरी एक दिन चलती है और SPO2 नहीं है। ब्लूटूथ वर्जन को हम एक बार को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये वॉच वाईफाई से कनेक्ट रहती है, और इसमें 8 GB की इंटरनल मेमोरी है जो इस रेंज में कोई भी वॉच नहीं दे रही, 1 GB रैम, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है, सिर्फ 75 मिनट में आपकी वॉच को ये चार्ज कर देता है। तो मेरे ख्याल से एक दिन की अगर बैटरी चल भी रही है तो आप मैनेज कर सकते हैं। गूगल वियर का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी वजह से आप स्टोर की ऐप्स इसमें डाउनलोड कर सकते हैं, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, GPS वाईफाई इसमें सब आपको देखने को मिलता है, और इसके लुक्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर हम बात करते हैं Fitbit Versa 2 है अगली वॉच, जिसका प्राइस लगभग 13,000 के करीब अभी देखने को मिल रहा है। बड़ी स्क्रीन है, 1.39 inches का एमोलेड डिस्प्ले है, सबसे बड़ी बात 1000 nits की ब्राइटनेस दे रही है जो कि अपने आप में बहुत अच्छी है, तो आपको आउटडोर विजिबिलिटी में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 400 nits ब्राइटनेस में भी काफ़ी अच्छी क्लैरिटी आती है, एंड दिस इज 1000 nits ब्राइटनेस। स्ट्रांग है, लाइट वेट एल्यूमिनियम बॉडी है, गोरिल्ला ग्लास 3 है, वाईफाई NFC, इसमें NFC देखने को मिल रहा है, जो इनका Fitbit का पेमेंट मेथड है उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं, साथ में म्यूजिक कंट्रोल है, वॉच के अंदर प्री इंस्टॉल स्पॉटिफाई की ऐप है तो आप उसके थ्रू म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, उसके अलावा कंपनी कह रही है कि अदर ऐप्स भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा का, आप उसको कमांड देंगे वॉइस में लेकिन वो आंसर आपको देगी टेक्स्ट में लिख के, उसके अलावा ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन है। दिक्कत इसमें यह है कि SPO2 जो है सिर्फ एक स्लीप टाइम पे काम करता है इसका, और ब्लूटूथ कॉलिंग भी नहीं है जो कि 13-14 हज़ार में आजकल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। और आती है मेरी फेवरेट ऑनर GS प्रो वॉच, इसके मैं आपको खास बातें बताता हूँ, एक तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ग्रेड रग्ड बॉडी है तो ये वॉच आपकी कहीं भी नहीं जाने वाली, कैसे ही माहौल में ले जाओ, वाईफाई लगा हुआ है, कैमरा म्यूजिक कंट्रोल SPO2 तो है ही, साथ में 4 GB की इंटरनल स्टोरेज है, 100 स्पोर्ट्स मोड इसमें देखने को मिल रहे हैं, और अब तक की सबसे ज़्यादा 790 mAh की बैटरी जो किसी वॉच में देखने को नहीं मिलती वो इसके अंदर है, 25 डेज का बैकअप है, सुपर फास्ट चार्जिंग है, फुल चार्ज हो जाती है 2 घंटे में, देखिए 790 mAh की बैटरी सिर्फ 2 घंटे में चार्ज कर देती है। इसकी में जो दिक्कत मुझे बस ये लगी, कंपनी ने रैम स्पेसिफाई नहीं करी है और वॉइस असिस्टेंस का इसमें फीचर समझ नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कोई कह रहा नहीं है, तो वो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त वॉच है। साथ में इसका जो GPS है उसमें राउट बैक ऑप्शन है, आप अपने कहीं रूट पे जाते हैं कहीं पे जाते हैं GPS आपका ऑन है तो आप GPS राउट बैक से उसी रास्ते पे वापस आ सकते हैं। अब आपको बताता हूँ कि टॉप 4 स्मार्ट वॉचेस अकॉर्डिंग टू मी कौन सी हैं 5,000 से 10,000 की रेंज में। तो नंबर 1 पे मैंने रखा है ऑनर मैजिक वॉच 2, सेल में प्राइस 9,999 हो जाता है, आपको कॉलिंग मिल जाएगी यार, 4 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, SPO2 है, मल्टीपल वॉच फीचर है, वॉइस गाइडेड स्पोर्ट्स मोड है, और क्या चाहिए 9,999 में, कोई वॉच ये चीज़ ऑफर नहीं कर रही है। फिर मुझे अच्छी लगती है GTS 2 mini,
क्योंकि ये कम बजट में भी वैल्यू फॉर मनी वॉच है। इसके जो फीचर्स हैं ये आपको 9999 की बाकी वॉचेज जैसे GTS 2E, GTR 2E या Realme S Pro ले लीजिए, मेरी वॉल, उसमें देखने को मिलेंगे और वो सारी चीज़ें इसमें भी आपको मिल जाती हैं। तो फालतू पैसे क्यों लगाने, आप GTS 2 Mini ले सकते हैं। फिर मुझे अच्छी लगती है Amazfit वॉच, जिसमें भी वो सारे फीचर हैं जैसे कि ब्लूटूथ कॉलिंग हो गई है, बिल्ट इन स्टोरेज हो गया, वॉइस असिस्टेंस हो गया। बस इसकी थोड़ी सी लुक्स अच्छी नहीं है और इसके थोड़ा रेटिंग्स थोड़ी सी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने इसको नंबर 3 पे रखा है। लेकिन फीचर्स के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी, और SPO2 भी नहीं है इसके अंदर। और चौथे नंबर पर मैंने रखा है, आप ये GTR 2E ले लो या Realme S Pro ले लो, दोनों लगभग सेम ही वॉच हैं। आप इनमें से किसी भी वॉच पर जा सकते हैं अगर आपको अच्छी लगती हैं तो। लेकिन मेरे को तो इनसे अच्छी GTS 2 Mini लगी। 3000 रुपये फालतू देखे मुझे GTR 2E या S Pro में ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल रहा है। फिर बताता हूँ आपको टॉप स्मार्ट वॉचेस अकॉर्डिंग टू मी बिटवीन 10,000 to 15,000। सो नंबर 1 इज ऑनर GS Pro। जी हाँ, 18,000 की वॉच है, कंपनी ने 15,000 की कर दी है। इतनी बड़ी बैटरी, GPS राउटबैक ऑप्शन, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपना रेगुलर हाइकिंग कैंपिंग पे जाते रहते हैं, जहाँ पे आपके पास ज़्यादा बैटरी अवेलेबल नहीं होती है, चार्जिंग स्टेशन नहीं होते हैं, भटकने का डर होता है, और बिल्कुल इसमें जो है अनयूजुअल वेदर अलर्ट भी आ जाता है, जब भी वेदर में कोई चेंज होने वाला होगा वो आपको बता देता है। तो ये पूरी पैक्ड स्मार्ट वॉच है हर एंगल से। उसके अलावा बात करते हैं, सेकंड पे मुझे अच्छी लगती है GTR 2, क्योंकि GTS 2 से ज़्यादा बैटरी है इसके अंदर और इसके लुक्स भी काफ़ी अच्छी हैं। राउंड शेप की वजह से इसमें बीजल काफ़ी कम है, इसलिए मुझे GTR 2 ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लस इसमें 2 वेरिएंट भी अवेलेबल हैं, तो आप इसको सेकंड नंबर पे ले सकते हैं। थर्ड पे ओप्पो की वॉच को मैंने इसलिए रखा है बिकॉज ऑफ इट्स बैटरी बैकअप नहीं होता तो शायद मैं इसको नंबर 1 या 2 पे ले आता, बैटरी बैकअप का इशू नहीं होता। तो आप इसमें सारे ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं और अच्छे से वॉच को यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके। आपको कोई भी क्वेश्चन, कमेंट या सुझाव है तो मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।